हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर मधु आज़ाद। और बहुत सारी फीमेल्स को बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होने की प्रॉब्लम रहती है कि बर्निंग हो गया है या बहुत बार जाना पड़ रहा है या दर्द हो रहा है यूरिन पास करते वक्त। और ये ऐसा एक बार नहीं है, बार बार होता है। तो इस वीडियो हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है और उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता क्या है। ये जो आपको यूरिन में बर्निंग होता है, ये जो बार बार यूरिन में जाना पड़ता है, ये होता ही क्यों है? तो हमारे पास होती हैं दो किडनीज जो हमारे बैक के साइड में होती हैं। तो दो किडनी, उसमें से निकले हैं दो पाइप जैसे, जिनको हम बोलते हैं यूरेटर। और फिर एक ऐसा कंटेनर टाइप होता है, इसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो सारा का सारा जो यूरिन बना था किडनी में, वो सारा ब्लैडर में इकट्ठा हुआ और फिर वहाँ से एक निकलता है यूरेथ्रा। तो दो किडनी, उससे जो पाइप निकले यूरेटर, और एक जगह इकट्ठा हुआ यूरिनरी ब्लैडर, फिर एक जगह निकला, उसे बोलते हैं यूरेथ्रा। तो ये होता है यूरिनरी ट्रैक्ट। अब इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, कोई बैक्टीरिया है वो इसके अंदर जा सकता है, ग्रो कर सकता है, तो उसको हम बोलेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर वो यूरेथ्रा में हुआ है तो यूरेथ्राइटिस, अगर वो ब्लैडर में हुआ है इन्फेक्शन तो सिस्टाइटिस, यूरेटर यूरेट्राइटिस, और अगर वो दोनों किडनी में या किसी एक किडनी में भी हो सकता है इन्फेक्शन तो उसे बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। तो बेसिकली जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। अब बैक्टीरिया कहाँ से आया है? बैक्टीरिया आया है आपका रेक्टम से। रेक्टम मतलब जहाँ से आप मोशन पास करते हैं, तो वहाँ से बैक्टीरिया आपका यूरेथ्रा में जा सकता है। फीमेल्स के अंदर आगे होता है वेजाइना, वेजाइना के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, वो आपका यूरेथ्रा में जा सकता है। तो और बाकी आपका जो स्किन से आपका बाहर का आउटर स्किन है, वहाँ से जा सकता है। आपका हाथ में अगर बैक्टीरिया है, आपने हाथ से टच किया है, तो वैसे हो सकता है। तो बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है यूरिनरी ट्रैक्ट में, उसे हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, किन वजहों से ये हो सकता है? और ये फीमेल्स के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। फीमेल के अंदर जो यूरेथ्रा होता है, यूरिन पास करते हैं, वो स्मॉल साइज का होता है, तो इन्फेक्शन जल्दी ट्रैवल कर सकता है ब्लैडर तक, यूरेटर तक, किडनी तक। तो इसलिए बार बार इन्फेक्शन होता है क्योंकि स्मॉलर साइज है। अगर सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद अपना यूरिन पास नहीं किया है या वॉश नहीं किया है, तो भी इसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। प्रेगनेंसी में देखा गया है कि ज़्यादा यूरिनरी इन्फेक्शन होता है। ओल्डर फीमेल्स, उनके अंदर जो ईस्ट्रोजन होता है मेनोपॉज के बाद में, ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो कम होने की वजह से जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसके अंदर टेंडेंसी हो जाती है इन्फेक्शन होने की। मेल्स के अंदर एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, हमने बताया था किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, ब्लैडर के जो ओपनिंग होती है वहाँ पर एक ग्लैंड होता है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। तो वो एनलार्जमेंट हो गया है उसके अंदर, तो उसकी वजह से यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है बार बार। अगर आपने हाइजीन प्रॉपर नहीं रखा है, छोटे बच्चे हैं जो पॉटी ट्रेनिंग के टाइम पर हैं, कि जहाँ पर वो खुद से साफ़ करना सीख रहे हैं, उन्होंने ठीक से साफ़ नहीं किया या उन्होंने गंदे हाथों से टच कर लिया, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपको यूरिनरी इन्फेक्शन है? सबसे पहले कि बार बार आपको यूरिन जाना पड़ रहा है, हो सकता है कि आपको रात में भी जाना पड़े, साथ में हो रही है जलन, साथ में हो रहा है बर्न, पेन कि पास करते वक्त पेन हो रहा है या बाद में भी हो सकता है, जलन बहुत ज़्यादा है और बार बार जाने की इच्छा हो रही है लेकिन पास यूरिन नहीं कर रहे हैं, यूरिन बहुत थोड़ा बहुत आ रहा है। यूरिन का जो कलर हो सकता है वो चेंज हो सकता है, उसमें ब्लड आ सकता है, उसका मिल्की वाइट यूरिन हो सकता है, क्लाउडी यूरिन हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ सकती है यूरिन के अंदर। आपका जो नीचे वाला हिस्सा है पेट में, जो नीचे वाला हिस्सा है, वहाँ पर दर्द हो सकता है। अगर किडनी तक इन्फेक्शन पहुँच गया है तो उसके अंदर फीवर आएगा, फीवर के साथ बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, क्रैम्प टाइप का पेन होगा कि ऐसे बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो सकता है, लोअर एब्डोमेन में, साइड्स में जहाँ पर किडनी होती है वहाँ पर पेन हो सकता है, साथ में नौजिया और वॉमिटिंग, ऐसा मन करेगा सिर्फ जी में चला रहा है, कई बार वॉमिटिंग हो भी सकती है, कई बार सिर्फ वॉमिटिंग करने की इच्छा हो सकती है। अब हम ये जानेंगे कि इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला है कि आपको पानी पीना है अच्छे से, हाइड्रेट रखना है अपने आप को। अगर आप पानी ज़्यादा पियेंगे तो आपका यूरिन ज़्यादा आएगा, यूरिन आपका ज़्यादा आएगा तो जो बैक्टीरिया होगा वो फ्लश आउट होगा, तो आपको पानी पीते रहना है।
बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रेगुलरली भी आपको पानी पीना है ताकि बैक्टीरिया वहाँ पे एक्यूमुलेट ना हो। कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद आपको यूरिन पास करने जाना है, आपको एरियाज अपने वॉश करने हैं ताकि वहाँ पे आपके बैक्टीरिया एक्यूमुलेट ना हो। आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, जो जेनाइटल्स हैं, वहाँ पर आपको कोई स्प्रे, कोई पाउडर या कुछ भी ऐसा जो हार्श जो सोप्स होता है उसे नहीं वॉश करना है, क्योंकि वो आपके जो गुड बैक्टीरिया हैं वो उसको मार सकते हैं। और जो फीमेल्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो बड़े फीमेल्स हैं, उनको फ्रंट टू बैक वॉश करना है, बैक टू फ्रंट वॉश नहीं करना है, क्योंकि बैक साइड में होता है रेक्टम जहाँ से हम लोग मोशन पास करते हैं, तो हमको फ्रंट टू बैक वॉश करना होता है फीमेल्स के अंदर। इस तरीके से आप यूरिन इन्फेक्शन को बचा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं जो आपके यूरिन इन्फेक्शन में काम आई जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।